श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय प्रारंभ। देव लोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंतकाल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाते मुझे हे पांडु सुत वीर। 8वां अध्याय प्रारंभ। अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुनोवाच, श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त ब्रह्मा जानते हैं, सो ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अद्वैत क्या है, हे मधुसूदन जी, अधियज्ञ क्या है। जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, तिनकी गति क्या है, इस सब अपने नामों की कृपा करके मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा हूँ और अविनाशी हूँ, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है और मुझको अपने प्रताप से प्रताप है, अपने ही बल से बल है, अपने ही ज्ञान से ज्ञान है। अन्य जितने भूत प्राणी हैं तिन सब को मेरे बल से ही बल है और मेरे ही ज्ञान से ज्ञान है। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु हूँ, इस कारण मेरा नाम अध्यात्म है और सब भूत प्राणियों की उपजाता हूँ। जैसा किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूँ वैसा ही तिसको प्राप्त होता है, इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत जो जल तेज वायु पृथ्वी और आकाश हैं, तिसको अविनाशी करता हूँ, इस कारण से मेरा नाम अधिभूत है। और जो कुछ होनहार हैं तिसका भी प्रभु ठाकुर मैं ही हूँ, मेरा नाम अद्वैत है। जितने यज्ञ होते हैं देवता पितरों के निमित्त श्राद्ध शाह मनुष्य करते हैं, सब में प्रथम मेरी ही पूजा होती है, इससे मेरा नाम अविनाशी है। और एक मेरा नाम देव बर्तंबर है, इसका अर्थ है सुन, इसका अर्थ सुन, जितने देहधारी हैं तिन सब में मेरी देह अति सुंदर है। मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं और ना मेरे जैसा किसी में बल है। देहधारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं उन सब में यह मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है, इस कारण से मेरा नाम देह भृतंबर है। जो अनंत काल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरा स्मरण करते करते देह त्यागते हैं, सो मेरे परम आनंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिस जिस का स्मरण करते देह को त्यागते हैं तिसको ही पहुंचते हैं। इससे सर्व कालों में मेरा ही स्मरण कर, क्या जानिए यह क्षण भंगुर देह किस समय छूट जाए। मेरे में निश्चल चेता रखे तो मुझको पावेगा, इसमें संशय नहीं। हे अर्जुन, सब समय चित्त कर, श्वास श्वास मेरा ध्यान कर, स्मरण कर, यह अभ्यास योग के, श्वास श्वास मेरा ध्यान कर, स्मरण कर, यह अभ्यास योग के लक्षण है। मुझ प्रभु में मन रखे यहाँ ईश्वर, प्रभु पूर्ण पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है, फिर कैसा हूँ। काम रूप सबका ज्ञाता हूँ, सबसे आदि अलेख हूँ, मेरी आज्ञा सबके सिर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं है और सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ। सबका उत्पत्ति करता हूँ, अचिंत रूप हूँ, प्रवीण हूँ, सबके जानने हारा हूँ। जिसको अचिंत का रूप कहते हैं मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूँ। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूँ, पर ब्रह्म हूँ। और एक योगी पुरुष प्राण त्यागते समय अपनी इच्छा को निश्चल रखकर
भक्ति योग के बल से प्राण वायु को त्रिकुटी में बलि भांति ठहरा परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा जान संग्रह कर दे त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं और तिस पुरुष के पाने के निमित्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रखते हैं और पुरुष का महात्म मैं तुझको थोड़े ही में ही कहता हूँ। एक योगी इस प्रकार दे त्यागते हैं, यह नव द्वार दे के संयम साथ मंद कर्मों से हटाकर निश्चल करते हैं और प्राण पवन को रोककर मस्तक में ले जाते हैं और मेरे नाम का हृदय में जाप करते हैं। ओम ब्रह्म नाम का जप करके देह त्यागते हैं, सो मेरे परम पद ब्रह्मा अविनाशी पद को जा प्राप्त होते हैं। और मेरे प्रेमी भक्तों का वृतांत सुन, जो मेरे प्रेमी मन करके निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते मुख से राधा कृष्ण राम भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण विशंबर इन नामों का जाप करते हैं, ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते हैं, सो मुझे सुखैन ही पाते हैं और देह को त्याग कर मेरे परम धाम की प्राप्ति होती है। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्धि है, सो फिर जन्म नहीं पाते और हे अर्जुन जीव ब्रह्म लोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। और जिन पुरुषों ने मुझे पाया है, सो प्राणी मेरे परम पद में आकर फिर जन्म नहीं पाते। अब अर्जुन जिन पुरुषों ने मेरा महात्म सुना है, तिनकी दृष्टि सुन, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ये सब चारों युग सहस्त्र बार बीत चुकते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार यह चारों युग सहस्त्र बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अब युगों की मर्यादा सुन, 1728,000 वर्ष का कलयुग है, सतयुग है, 1728,000 वर्ष का सतयुग है, 1296,000 वर्ष का त्रेता युग है और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। यह चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। जिन्होंने मेरा प्रताप परम अविनाशी जाना है, तिनकी दृष्टि सुन, यह चारों सहस्त्र बार बीत जावें तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इनके जाने से एक सा ही है, अपनी आयु भोग कर ब्रह्मा भी नष्ट होता है, मनुष्य भी मर जाता है, मनुष्य से भी नाशवान इससे भी नाशवान है, सो एक समान है। जिन्होंने एक अविनाशी पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है, और अब और सुन, हे अर्जुन मेरा जो अवगति स्वरूप है, तिस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरे अविनाशी अवगति स्वरूप में जा समाती है। हे अर्जुन यह जो 84,00,000 जून ब्रह्मा के दिन में उपजती है और रात्रि को मेरे अवगत स्वरूप में जा लीन होती है, सो मेरी अवगति स्वरूप सबसे न्यारा है और सनातन पुरातन है, सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता, ऐसा परम अविनाशी हूँ और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं। इस कारण से इसका नाम अवगति है, उसको परम गति कहते हैं, उसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता। जो सो परम धाम मेरा घर है, हे अर्जुन सो पुरुष सबसे न्यारा है और तिस मार्ग में पाने का उपाय सुन, जिस मार्ग के पाने से वृत अनन्य अखंड भक्ति करके पावे है। अब अखंड अनन्य का वृतांत सुन, मेरे साथ दूसरा देवता नहीं पूजना, मेरे भजन
बिना एक श्वास नहीं चोखो ना। इसका नाम अनन्य अखंड भक्ति है। इस भक्ति से मैं पाया जाता हूँ। सो कैसा पुरुष हूँ जिससे सभी सृष्टि उपजती है और फिर उसी में जालीन होती है। हे अर्जुन सुन, इच्छाचारी योगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ परम ब्रह्म में जा मिलते हैं, जालीन होते हैं और फिर संसार में नहीं आते। दूसरे योगी चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं। अब जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, तिनकी बात सुन। वो इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं जब मनुष्य का दिन होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रायण सोई पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है सो पितरों की रात्रि होती है। देवताओं का दिन कौन है? अब 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण रहता है और 6 महीने सूर्य का रथ दक्षिणायन रहता है। सब देवताओं की रात्रि होती है। वो इच्छाचारी योगी जब देवताओं का, पितरों का, मनुष्यों का दिन हो तब देह को त्याग करें। मनुष्य भी जागते हों, पितर भी और देवता भी जागते हों, सो देह त्याग कर मनुष्य पितरों का, देवताओं का कौतुक देखते हुए जाते हैं। इन लोकों से आगे अग्नि का ज्योत नाम नगर है जिसका तिसका कौतुक देखते हुए मेरे अविनाशी परम पद में जालीन होती हैं। तब मेरे जानने हारा परम सुख रूप हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन। जो जाकर फिर आता है वो योगीश्वर जब मनुष्यों की, देवताओं की रात्रि होती है तब देह त्याग कर इन लोकों के बीच होकर एक धुएं का नगर है उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वहाँ कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। ये दोनों मार्ग योनियों के पुरातन हैं। एक का नाम शुक्ल चांदनी रात्रि है और एक का नाम कृष्ण अंधेरी रात्रि। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन तुमने दोनों मार्ग योनियों के सुने। दोहा, यह मार्ग को जो लगे योगी मोह न पाए, ता पार्थ तू ही योग युक्त चित लाए। जिन्होंने यह बात समझी है सो मोह को प्राप्त नहीं होते। इससे हे अर्जुन तू भी इस प्रकार सब कालों में मेरे साथ युक्त रहे। अब जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने तिन को काम कितना पुण्य प्राप्त होता है सो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य होता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान से जो पुण्य उपजे है सो सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से प्राप्त होता है। जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं उनको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्सुपनिषद गीता, श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नाम 8वां अध्याय समाप्त।